मिंक एक मासूम सा चूहे की शक्ल का जानवर है जो अपनी खूबसूरत खाल की वजह से दुनिया भर में मशहूर है और यही वजह है कि इसका शिकार भी किया जाता है। ताहम इस जानवर को अमेरिका और यूरोप में पाला जाता है और यहाँ इस जानवर के बेशुमार फार्म मौजूद हैं। मिंक की खाल से दुनिया भर में महंगा तरीन फर तैयार किया जाता है। यूरोपियन मिंक का फर अमरीकी मिंक के फर से ज्यादा नरम और मुलायम होता है, इसीलिए यूरोपियन मिंक का फर ज्यादा मकबूल और महंगा होता है। मिंक से मिंक ऑयल भी हासिल किया जाता है जो कि कॉस्मेटिक्स और प्रिजर्वर्स के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। सालाना 15.6 मिलियन मिंक से डेनिश फर हासिल किया जाता है। चाइना, हांगकांग और जापान मिंक फर की सबसे बड़ी मार्केट है। एक मिंक की अमूमी कीमत 582 डेनिश क्रोना या 100 US डॉलर जो कि पाकिस्तानी 17,000 रुपये होती है। साल 2020 डेनमार्क की मिंक की अफजाइश और निगहदाश का आखिरी साल है क्योंकि इन मिंक्स में कोरोना वायरस की तशखीस की जा चुकी है। इस बात का सबको अंदाजा है कि कोरोना वायरस पहली बार जानवरों से इंसानों को लगा था और अब तक की तहकीक के मुताबिक ये मर्ज बैट्स से इंसानों में मुंतकिल हुआ था और अब इंसानों से दोबारा जानवरों को लग रहा है, जैसे डेनमार्क में इंसानों से मिंक को लग गया है। अगर फॉर्म में मौजूद किसी एक मिंक को भी कोरोना वायरस हुआ हो तो ये मर्ज तेजी से फैलता हुआ पूरे फॉर्म को मुतासर कर रहा है। वायरोलॉजिस्ट का कहना है कि कोरोना वायरस इंसानों से मुंतकिल होकर जानवरों को बीमार कर रहा है और साथ ही ये वायरस अपनी शक्ल भी तब्दील कर रहा है और अब ये दोबारा इंसानों में मुंतकिल हो रहा है। अंदेशा ये है कि ये मर्ज डेनमार्क से निकलकर पूरी दुनिया को मुतासिर कर सकता है। दुनिया भर में कोविड-19 कोरोना वायरस के लिए वैक्सीन की तैयारी करने वालों में शदीद तश्वीश है कि अगर वायरस ने म्यूटेशन कर ली और अगर म्यूटेटेड कोरोना वायरस लोगों को लग गया तो कोरोना वायरस के लिए तैयार होने वाली वैक्सीन जाया हो जाएगी। यही वजह है कि कल्टिंग टास्क फोर्स डेनमार्क में मौजूद मिंक फार्म के खात्मे में दिन रात मशगूल है। मिंक को कार्बन मोनोऑक्साइड के बॉक्सेस में बंद करके तल्फ किया जाता है और फौरी तौर पर इनकी महंगी तरीन खाल के साथ इनको इंसिनेट किया जाता है। उम्मीद है कि डेनमार्क में म्यूटेटेड फॉर्म कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए होने वाली कोशिशों में हुकूमत को कामयाबी हासिल हो।